शासन द्वारा ग्रामीणों को सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए बड़े स्तर पर कई सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन शासन के नुमाइंदे शासकीय धनराशि का गबन कर ग्रामीणों को धरातल पर मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रख के शासकीय धनराशि का दुरुपयोग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत फुलेड़ी के अंतर्गत आने वाला ग्राम पाना, जो की अमर शहीद नायब सूबेदार रविंदर सिंह राठौर का पैतृक गाँव है, यहाँ के सरपंच एवं सचिव द्वारा कई कार्य कागजों पर ही संपन्न किए हैं। शमशान घाट पर पहुंचने वाली पुलिया निर्माण हुए एक वर्ष से भी अधिक समय हुआ है, लेकिन घटिया क्वालिटी के निर्माण होने के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ग्रामीणों ने चर्चा में बताया कि सरपंच और सचिव ग्रामीणों को किसी प्रकार की सुविधा का लाभ नहीं दे पा रहे हैं। ग्राम में वृद्धों एवं विधवाओं को वृद्धा पेंशन एवं विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्वच्छता अभियान की पोल खुलती तस्वीरें आपको गाँव में आसानी से दिखाई दे सकती है। लोग आज भी खुले में शौच करते हैं। साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि सचिव भरत राठौर द्वारा आबादी क्षेत्र से बाहर अपने निजी मकान के लिए पहुंच मार्ग हेतु खडंजा निर्माण कर रही राशि का दुरुपयोग किया है। पूर्व में पाना आने पर क्षेत्रीय विधायक राजवर्धन सिंह दती गांव ने भी सहायक सचिव एवं प्रभारी सचिव भरत राठौर की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए ठीक तरीके से कार्य करने के लिए निर्देशित किया था, लेकिन उसके बावजूद भी सचिव की कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या समस्या आपकी? सर, हमारी समस्या ऐसी है कि हमको कुछ भी नहीं मिला सरकार की तरफ से, ना तो मुझे कुट्टी मिली, ना तो गेहूं चावल, कुछ भी नहीं मिलता है मेरे को। आज तक मतलब कम से कम 3 साल हो गए, मेरा कोपिन था बड़ा, वो भी, मेरे पास जमीन भी नहीं है और बड़ा कोपिन था वो भी बंद हो गया, और अभी तक कोपिन नहीं आया मेरा। और ये मेरे पिताजी है अंबाराम रुमाल, इनको भी 60 साल से ज़्यादा उम्र हो गई इनकी, इनको भी कोई पेंशन वेंशन कुछ भी नहीं मिली, ना तो लेटरिन बाथरूम मिली, कुछ भी नहीं मिला। पंचायत में बताया आपने? हाँ, पहले बहुत बार बताया साहब। तो क्या कहना पड़ रहा है उन लोगों का? कर देंगे, वो ऐसा ही बोलते हैं। कहाँ करेंगे, अभी अपन सोच करने कहाँ पे जाते हैं? बाहर। क्या कारण है बाहर सोच करने का? अब क्या करें साहब, लेटरिन बाथरूम नहीं है तो क्या करें? पंचायत की तरफ से नहीं मिली अपने को? नहीं मिली। ठीक है, आपका नाम? रामलाल। हम शहीद रविंद्र सिंह जी राठौर के गांव में खड़े हैं, यहाँ पे क्या क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? यहाँ के शहीद रविंद्र सिंह जी राठौर के गांव की मतलब इतनी दयनीय हालत है कि जिसको आप अगर घूम के देखेंगे तो आपको जगह जगह पे गंदगी मिल जाएगी। और ना है जो मूल व्यवस्थाएं होनी चाहिए रोड की, और जो खरंजे की जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो शौचालय की जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो जो ग्रामीणों को जो कई प्रकार की पेंशन जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। विधवा पेंशन हो गई, उसके अंदर आपकी विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, गरीबी रेखा के जो कूपन बनते हैं वो नहीं बन रहे। कोई अगर मानसिक रूप से विकलांग है उसकी भी पेंशन नहीं मिल रही है। अव्यवस्था है तो बहुत है इनको। तो पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं सरपंच सचिव, उनको अवगत कराया आपने इस बारे में? पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, सरपंच है, मंत्री है, मंत्री तो हमारे यहाँ के गांव का ही है भरत राठौर, और सरपंच फुलेड़ी के हैं, तो वो आते भी हैं और देखते भी हैं, पर वो करते कुछ नहीं। इस रूप से यहाँ पे कुछ घोटाले हुए हैं या कोई ऐसी लापरवाही उजागर हो सकती हो? लापरवाही आप जैसे अब यहाँ का हमारे जो प्राथमिक शाला भवन जो है वहाँ पे भी एक जो पूर्व में एक अधूरा भवन पड़ा है वो इसी तरीके के घोटाले के कारण अधूरा था और रह गया, उसका आगे क्या कार्यवाही हो रही है ये है। और दूसरा जैसे खरंजा निर्माण, गांव में कई जगह ऐसी है जहाँ खरंजों की आवश्यकता है, और ये सब छोड़ते हुए एक निजी जगह पे जैसे जो हमारा भरत मंत्री है उनके जो उनका परिवार के जो घर है, जो जो गाँव से आबादी से बाहर रहते हैं, खेत पर जिनके मकान बने हुए हैं वहाँ पर खरंजा स्वीकृत करवा के और वहाँ पर खरंजा करवाया, तो वो किस उसके अंदर उन्होंने करवाया। जैसे हमने भी बोला था कि भाई साहब आप अपने जो खरंजा चल रहा है, जो खरंजा का बन रहा है, तो ठहराव प्रस्ताव लेकर हमारे भी इधर 5-7 घर इधर बनवा दो। तो उनका यह कहना था कि ये तो आपकी निजी जगह है, निजी एरिया है, इसके अंदर हम नहीं बना सकते। तो जब उनके जो उनका 5 भाइयों का जो परिवार है वो कौन से एक सार्वजनिक एरिया था जहाँ पर उन्होंने खरंजा निर्माण करवाया। ठीक है, और कोई समस्या? समस्या बहुत है, आप अगर इसकी तह में जाओगे तो आपको कई घोटाले निकलेंगे। जो शासकीय राशि जो आती है वो कितनी मदों से आती है, कहाँ जाती है और क्या उसका होता है, ये तो अब आप लोग जांच पड़ताल करो। और प्रशासनिक जो बड़े अधिकारी है वो अगर इसकी तह में जाएंगे तो जो पंचायत स्तर पर कई राशियों का गबन उजागर होगा। ठीक है।
क्या क्या समस्या आ रही आप लोगों को? बस ये कोई वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन नहीं मिली सर हमको। ये जो आपके पास में आपकी मम्मी जी खड़े हैं, इनको विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है? कौन सी भी नहीं मिली सर, दो दो बार आवेदन दिया, तीन बार बल्कि दिया। कहाँ कहाँ आवेदन दिया आपने? फुलेड़ी मीटिंग हुई थी पटवारी मंत्री की सबकी, तो अधिकारी लोकसभा था वो कैंप का ही लगे थे, वहाँ भी दी थी। एक बाद फिर आवेदन अभी फिर दीदा, अभी महीना भर पहला जी का, साल भर पहला फिर दीदा था। हेलो, कितने साल हो गए इनके पति को गुजरे? 10 साल हो गए सर। सचिव महोदय का क्या कहना है मंत्री का? कि हाँ मिल जाएगा, कागज दे दो मेरे को, तो हम कागज दे दे कहीं मिलो सर, कहाँ पटकी रखे अभी ले जाए माँ का अंदर साइन करें ले उड़े। घर को भी फोटो खींची ले गयो कि हाँ वही जग में ऑनलाइन कर दीदा है, तो घर को भी अभी तक काई भी नहीं है सर। सोच कहाँ करते हैं आप लोग? खुले में जाते हैं सर। क्या कारण है खुले में जाने का? वो 200 ईंट दी थी, वो हल्का बनाया था टेम्परेली, तो वो तो जाने जैसा था ही नहीं सर, तब खुले में जाते हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम बेबी। आपके मम्मी जी का नाम? नानू भाई। इनके पति का नाम? अम्बाराम। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।